हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सख्त एतराज, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 को चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ को आईन में तब्दीली करके पार्टी सदारत के लिए अहल करार देना गैर आईनी है, दरख्वास्त बेमौकिफ। तहरीक इंसाफ की जानिब से असेंबलियां तोड़ने से मुतालिक बयान के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कमजोर तो किसी और को पानी की दावत देने की क्या बात है, वैसे भी वो कहता था ना उंगली का इशारा, उसका इंतजार है, सीटी का इंतजार है, यही तो कहने की वो करता रहता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई मुनज्जम वजूद नहीं, इस बारे में अमरीकी मौकिफ कबूल नहीं, साथ एतमाद का फुकदान है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब, पाकिस्तान तमाम दहशत गर्द ग्रोहों के खिलाफ एक ही तरीके से कार्रवाई करे, अमरीकी सफीर का मुतालबा। कहा पाकिस्तान अफगान तालिबान को मुजाकरात की मेज पर लाने के लिए दबाव डाले। खानदान की नैब में कल पेशी, मुशावरत के लिए जाती उमरा में नवाज शरीफ की अपने वकील ख्वाजा हारिस से मुलाकात, नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। सफदर रिटायर्ड को जमानत पर रिहा करना एहतसाब अदालत के अख्तियार में नहीं था, नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला तलब कर लिया। जहांगीर तरीन ने नाअहली केस में ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा, के मुताबिक जहांगीर तरीन और फैमिली ताहयात बेनिफिशरी हैं, जहांगीर तरीन को ट्रस्ट की आमदनी की तकसीम का मुकम्मल इख्तियार है, मुकदमे की समाअत कल होगी। असासाजात रेफरेंस में चौधरी जिलाही की नैब ऑफिस में हाजिरी, असासों की तफसीलात जमा कराई। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, चेयरमैन नैब ने खबरदार कर दिया। कहा असलम रईसानी और अरबाब आलमगीर के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल कर लेंगे। बदकिस्मती से सियासी अमल को तसलसल से चलने नहीं दिया जाता, पिशावर में एहसन इकबाल का शिकवा। कहा दायरे में दौड़ने की वजह से हम मंजिल पर नहीं पहुंच सके। सरबरा इंतकाम वज़ीरिस्तान ग्रुप मौलवी अब्दुल खालिक कानी ने हथियार डाल दिए, मौलवी अब्दुल खालिक ने पाकिस्तान से वफादारी का अहद कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त, ये इंतहाई अहम मसला है, अदालत के रिमार्क्स, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना से तहरीरी जवाब तलब। टमाटर तकरीबन 200 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है, आजकल शहरों ने अपनी बेगमात को बतौर तोहफतन देना शुरू कर दिया ये टमाटर। हिमाचल की बुलंद कीमतों का सिंध असेंबली में भी चर्चा, एमक्यूएम के रुकन कामरान अख्तर ने इजलास में टमाटर दिखा दिया, कहा अब शोहर बीवियों को टमाटर देते हैं। आजकल शोहरों ने अपनी बेगमात को बतौर तोहफतन देना शुरू कर दिया ये टमाटर। सिंध असेंबली के बाहर माजूर अफराद का नौकरियों की फरहमी के पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कमपेल। पानामा पेपर्स के बाद पैराडाइज पेपर्स में भी टैक्स चोर बेनकाब, नई मालियाती दस्तावेज
भर की अहम शख्सियात का पोल खुल गया। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के दो ट्रस्ट सामने आ गए, अहलिया और बच्चे बेनिफिशरी हैं। साबिक चेयरमैन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अयाज खान नियाजी भी चार ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। शरीफ के लिए खत लिखने वाले साबिक कतरी वजीर आजम हम्माद बिन जासिम की ऑफशोर कंपनी भी पकड़ी गई।